भयंकर से भयंकर दांत का दर्द, दाढ़ का दर्द, मसूड़ों में दर्द है, तो दोस्तों ये आज हम आपके लिए किसी प्राचीन रेमेडी लेकर आए हैं जो हमारे दादा परदादा लंबे समय से दांतों के दर्द में इस्तेमाल करते थे। एकदम से ठीक हो जाएगा दोस्तों आपके दांतों का दर्द। आपको 2 दिन इस्तेमाल करना है और इसके लिए हमें जो है अमरूद होता है ना दोस्तों, अमरूद तो वैसे हम सब ने खाया है, आप जानते ही होंगे अमरूद कितना ज्यादा फायदेमंद है, कितने विटामिन से भरपूर होता है। उसी तरह से आपको ये जो पत्ते लेने हैं, आपको यहाँ पर अमरूद के पत्ते लेने हैं। अमरूद के पत्तों में भी दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं अमरूद के पत्ते। ये हमारे हृदय रोग में, कोलेस्ट्रॉल ठीक करने में, डायबिटीज की समस्या में, बालों को मजबूत करने के लिए, खून साफ करने के लिए और दांतों के दर्द में दोस्तों ये बहुत कारगर होते हैं। हमने दोस्तों देखिए इस तरह से एक अमरूद की टहनी ली है। आपको इस तरह की टहनी में जहाँ पर 10-15 पत्ते लगे हों, साफ सुथरे ताजे पत्ते लेने हैं और ये पत्ते दोस्तों आपके दांतों के दर्द भगाने में, मसूड़े फूलने में, यहाँ तक कि दांतों का कीड़ा ठीक करने में भी बहुत फायदेमंद है। दांतों का कीड़ा दोस्तों अक्सर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ब्रश से अच्छे से सफाई न हो पाने के कारण दांतों में हमारा खाना चिपक जाता है, जिससे धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपता है और वही बैक्टीरिया हमारे दांतों में सड़न करता है और फिर दांतों में कीड़ा लगता है। दांतों के दर्द होने का भी दोस्तों यही कारण है। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले इस तरह से ये ताजे पत्ते लेंगे। इन पत्तों को दोस्तों पहले आपको तोड़ लेना है और एक बाउल में, जहाँ पर हम गर्म पानी लेंगे और उस गर्म पानी में इस पत्तों को धोना है। आपको ध्यान रखना है कि पत्तों को अच्छे से साफ करना है, मिट्टी वगैरह उतार लेनी है और इसके लिए हम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों गर्म पानी से पत्ते अच्छे से साफ हो जाएंगे। इन पत्तों की दोस्तों हम यहाँ पर 2 रेमेडी बनाएंगे। आपको जौन सी सही लगेगी आप वो इस्तेमाल कर ले, जौन सी आपको आसान पड़ती है आप वो ले सकते हैं। पहली रेमेडी के लिए आपको इस तरह से ये देखिए हमाम दस्ता लेना है और हमाम दस्ते में हम 2 से 3 पत्ते अच्छे से साफ करके डाल देंगे। आपको दोस्तों इसे अच्छे से बारीक कूटना है। हम दोस्तों यहाँ पर पत्तों का रस निकालेंगे। आप चाहें तो किसी भी वजनदार चीज से कटोरी में डालकर भी इसे कूट सकते हैं और अगर आपके पास हमाम दस्ता नहीं है तो आप इसे ग्राइंड कर लें, जिससे पत्तों का जूस निकल आएगा। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे ये देखिए दोस्तों पत्तों का जूस जो है थोड़ा सा निकला है। आपको ज्यादा नहीं लेना, हम यहाँ पर 1/2 चम्मच के बराबर पत्तों का रस निकाल लेंगे और इसे मैं आपको छोटी कटोरी में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आपको लगभग इतना सा रस लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा कॉटन बॉल लेंगे। आपको अपने दांत के साइज के हिसाब से आपको छोटा सा रुई का टुकड़ा लेना है और इसमें डिप करके जितना भी अमरूद के पत्तों का रस निकाला है उसे हम इस कॉटन बॉल में डाल लेंगे। आप इसे अच्छे से अमरूद के रस से इस रुई के टुकड़े को भर लीजिए और इसे हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी के साथ मिलाएंगे। आप दोस्तों एक छोटी चुटकी हल्दी लीजिए और उसमें इसे निचोड़ कर अच्छे से हल्दी भी इसमें लगा लीजिए। हल्दी दोस्तों दर्द निवारक होती है, दांतों का दर्द ठीक करने के लिए, बैक्टीरिया हटाने के लिए हल्दी बहुत अच्छी है। देखिए दोस्तों हमने रुई के टुकड़े में हल्दी और अमरूद का पत्तों का रस मिला लिया है। अब आपको क्या करना है कि जहां पर भी आपके दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़े से परेशान है, तो आपको इसे अपने दांत पर रखना है और मुंह से दबा लेना है। आपको दोस्तों 1/2 घंटे तक इसे मुंह में रखना है और मुंह को दबा कर रखना है। 1/2 घंटे के लिए आपको ना तो पानी पीना है ना ही कुछ खाना पीना है। 1/2 घंटे तक इसे आप दबा कर रखिए। कितना भी पुराना दांतों का दर्द है दोस्तों इससे पूरी तरह से जाएगा। ये बहुत ही प्राचीन नुस्खा है, हमारे दादा परदादा बड़े ही लंबे समय से इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय में ना तो डेंटिस्ट होते थे ना ही दांत का कीड़ा निकालने वाले होते थे और यही कुछ कारगर उपाय थे जिनकी मदद से वो अपने दांतों का दर्द ठीक कर लेते थे। और अगर दोस्तों आपके दांतों में पायरिया की समस्या है तो इसी कॉटन बोल में 2 से 3 बूंद सरसों का तेल मिला लेंगे और इसे अपने दांतों पर लगाएंगे, जिससे दोस्तों पायरिया की समस्या भी ठीक होगी। दूसरा उपाय आपको कैसे बनाना है उसके लिए हम यहाँ पर 1 बाउल में पानी लेंगे। 1 गिलास पानी आपको डालना है और उसमें हम यहाँ पर 5 ताजे पत्ते मिलाएंगे। अमरूद के पत्ते जिनसे दोस्तों हमने साफ किए थे वो लेंगे और 1 बार बनाने के लिए हम यहाँ पर 5 अमरूद के पत्ते इसमें डाल देंगे। आप दोस्तों से धीमी आंच पर गर्म कीजिए, इस पानी को अच्छे से उबालिए। इसके साथ दोस्तों हमें यहाँ पर एक और चीज मिलानी है, वो है लौंग। आपको यहाँ पर 1 बार के लिए 5 लौंग लेने हैं। लौंग में पाए जाने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट दोस्तों नेचुरल एनेस्थेटिक का काम करते हैं, जो हमारे दांतों का दर्द तुरंत ठीक करते हैं। आपको क्या करना है कि 6 से 7 मिनट तक जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा, उबलेगा, तो आप देखेंगे पानी भी कम होगा और इन पत्तों का रंग बदलता जाएगा। 6 से 7 मिनट के बाद जब पत्ते कुछ इस तरह से हो जाएं, तब हम यहाँ पर इस पानी को लेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और छान कर इस पानी को 1 गिलास में निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये पानी मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर है। आपके दांतों का दर्द ठीक करने के लिए, दांत का कीड़ा खत्म करने के लिए, पायरिया से छुटकारा दिलाने के लिए दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें हमने यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 चुटकी के बराबर नमक डाला है।
आप इसे अच्छे से घोल लीजिए। अगर दोस्तों आपके पास फिटकरी है तो आप इसमें फिटकरी भी डाल सकते हैं। इस दवाई का इस्तेमाल दोस्तों आपको कुल्ला करके करना है। आप इसका 5 मिनट तक कुल्ला कीजिए। इसे आपको लेना कैसे है कि इसका एक एक घूंट मुंह में लीजिए, थोड़ी देर तक मुंह में रखे कुल्ला करके उसे निकाल दें और फिर दूसरा घूंट लें और ऐसे ही आप इसे 5 मिनट तक कीजिए। इसे करने के बाद आप यहाँ पर ये कॉटन बोल लीजिए और इसे अपने दांतों पर दबा लीजिए। इन दोनों उपाय को एक साथ करने से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके दांतों का दर्द पूरी तरह से ठीक होगा। आधे घंटे तक आपको इसे अपने दांतों में रखना है और कुछ भी खाना या पीना नहीं है। आप चाहे तो खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह तक आप देखेंगे कि आपके दांतों के दर्द से आपको राहत मिलेगी। दांतों में कैसी भी तकलीफ हो, 3 से 4 बार इस्तेमाल करने से आपके दांतों में पूरी तरह से राहत आएगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और उन सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो दांतों के दर्द से परेशान है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको और मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।